हेलो दोस्तों, गाइड ऑफ आर्ट में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप लोगों का दोस्त अभिषेक। और दोस्तों, आज की वीडियो बहुत स्पेशल है क्योंकि आज मैं आप लोगों को एक्सेल की एक प्रॉब्लम के बारे में बताऊंगा जिसका नाम है डेट। जी हां, डेट से रिलेटेड कई प्रॉब्लम्स आप लोगों को आ जाती हैं जब आप एक डेटा पर काम करते हैं। डेटा एंट्री ऑपरेटर्स कई बार बहुत सारी गलतियाँ कर देते हैं और डेट टाइप करने में बहुत सारा फॉल्ट कर सकते हैं, तो उसे ठीक कैसे किया जाए, चलिए बात करते हैं। तो दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग मेरी स्क्रीन पर, ये है डेट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स जो आपको सॉर्ट आउट करनी है। आप देखिए दोस्तों, कई बार डेटा एंट्री ऑपरेटर्स अपनी डेट्स को टाइप तो करते हैं लेकिन वो इस फॉर्मेट में वो डेट टाइप कर देते हैं। अब आपके पास इसका कोई सोल्यूशन नहीं होता तो फिर आप परेशान हो जाते हैं कि इसे ठीक कैसे करें, क्योंकि इस पर अगर आप चेक करें तो इस पर आपका कुछ भी वर्क नहीं करता। अगर मैं यहाँ पर डेट लिखकर और इसके ऊपर फिल्टर लगाता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट एल से मैं फिल्टर लगाता हूँ, तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर आप लोगों का फिल्टर भी सही से काम नहीं कर रहा है और सिर्फ दो ही डेट हैं जो यहाँ पर सही से दिखा रहा है, एक अप्रैल की और एक जून की। बाकी डेट्स में सब कुछ प्रॉब्लम है, यानी ये वाली डेट और ये वाली डेट तो ये सही ले रहा है लेकिन बाकी सारी डेट्स गलत हैं। तो अब इसे ठीक कैसे किया जाए? दोस्तों बहुत ही सिंपल तरीका है इसके लिए। आपको करना क्या है, इस पूरे एरिया को पहले सेलेक्ट करिए, उसके बाद आप जाइए डेटा पे। डेटा पे जाने के बाद आप सबसे पहले टेक्स्ट टू कॉलम पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा। इस डायलॉग बॉक्स के अंदर आपको करना है सिर्फ नेक्स्ट, उसके बाद फिर से नेक्स्ट और यहाँ पर आपको डेट ले लेना है। डेट सिंपल, आप डेट सेलेक्ट करें और यहाँ पर DMY रहने दें और फिनिश कर दें। दोस्तों ऐसे करने से आपकी कुछ डेट तो सही हो जाएंगी लेकिन सारी डेट सही नहीं होंगी। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वाली डेट जो है ये गलत है। आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि अगर फिल्टर सही है तो देखिए सारी डेट सही हो चुकी है लेकिन सिर्फ एक डेट है जो गलत फॉर्मेट में दी हुई है। कारण इसमें ये है कि इसमें मंथ आपका पहले है और उसके बाद डे फिर ईयर है। तो इसे कैसे ठीक करेंगे, चलिए मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पर डेट फिल्टर लगाना होगा और डेट फिल्टर लगाने के बाद सिर्फ आपको वो डेट सिलेक्ट करनी होगी जो आप लोग की गलत फॉर्मेट में दी हुई है। तो मैं यहाँ पर सिर्फ उसी डेट्स को सिलेक्ट कर लूंगा जो मेरी गलत फॉर्मेट में है। तो मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया, एंड नाउ प्रेस ओके। अब जितनी भी डेट्स ऐसे दी हुई हैं इन सभी को आप सिलेक्ट कर लीजिए एक साथ। लेट सपोज एक और सेल में ऐसा लिखा है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो ये एक और प्रॉब्लम आ चुकी है यहाँ पर। तो अब करना क्या है, इन दोनों सेल्स को आप सिलेक्ट करिए और सेम जाइए डेटा टैब में और टेक्स्ट टू कॉलम में जाइए और यहाँ पे नेक्स्ट कीजिए, नेक्स्ट कीजिए और यहाँ पे डेट लेने के बाद आप लोग को यहाँ पे ऑप्शन चेंज करके MDY कर देना है, उसके बाद फिनिश कर दीजिए और देखिए आपका ये फॉर्मेट ठीक हो चुका है। अब वापस से अपना फिल्टर जो है यहाँ से रिमूव कर दीजिए और अब आप देख सकते हैं आपका सारा का सारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो चुका है। तो दोस्तों अब करना क्या है, उसके बाद आप लोग को इस एरिया को सिलेक्ट करना है क्योंकि ये डेट फॉर्मेट आप लोग का गलत आ रहा है। तो सिंपली आप यहाँ पे क्या करिए, 8 जून 2023 की जो डेट फॉर्मेट है उसे ठीक करने के लिए आपको होम टैब में जाना है और यहाँ पर डेट की सेटिंग्स पर क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करने के बाद डेट वाले ऑप्शन पे जाना है और यहाँ से आप लोग को ये वाला फॉर्मेट ले लेना है। उसके बाद ओके प्रेस करते ही आपका जो फॉर्मेट है बिल्कुल ठीक हो जाएगा और आपकी सारी प्रॉब्लम डेट से रिलेटेड सॉल्व हो जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि इसी तरह की वीडियो आप लोगों के लिए काफी काम आएगी। अगर ऐसी और वीडियोज आप लोग को चाहिए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर लिखिए और वीडियो पसंद आई तो उसे जरूर लाइक शेयर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए गाइड ऑफ मैच।